नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल। आज हम लोग बवाना में आए हैं। आज महाशिवरात्रि है और हमारे साथ भाई गोवर्धन है। ये हमें गंगा टोली मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है और अन्य देवी देवताओं की है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं और अभी भाई गोवर्धन से जानना चाहेंगे इस मंदिर की विशेषता। और भाई गोवर्धन, आप बताइए कि आप बवाना में कब से हैं? हमें यहाँ पे 14 साल हो गया है। 14 साल से ही हम जब से आए हुए हैं तब से ही देख रहे हैं, मगर दिन पर दिन यहाँ की जो है पूर्णता बढ़ती ही जा रही है। पब्लिक का आना जाना और यहाँ का चमत्कार हर चीज़ बढ़ती ही जा रही है। आपने महाशिवरात्रि का क्या उसका वो हिंदू धर्म में क्या महत्व है? हिंदू धर्म में यह है कि महाशिवरात्रि सबसे बड़ा पवित्र है, बहुत बड़ा पर्व है हमारा, ठीक है। इसमें सब लोग आते हैं, आने के बाद दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के गंगा स्नान करके अपने आगे अपने अपने स्थान पर जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक बेल पत्र जो बोलते हैं पत्ता, जो बेल पत्र जो होती है जो आज के दिन शुभ होती चढ़ानी, शुभ होती है चढ़ानी। और शिव जी को शायद दूसरा लोग दूध से चढ़ा रहे हैं, दूध के स्नान कराए जाते हैं, गंगा स्नान कराए जाते हैं, बेल पत्र भी चढ़ाया जाता है, बेर भी चढ़ाए जाते हैं, बेर भी चढ़ाई, माला भी चढ़ाई जाती है, अगरबत्ती प्रसाद भी चढ़ती है, चढ़ती है। धन्यवाद। ये तो महाराज जी की ऊपर ने देखी ना मूर्ति, महाराज जी की मूर्ति देखी जिसने बताया करके, वो होंगे गंगा महाराज, वो है गंगा महाराज। अगर कोई मसला पूछे तो थोड़ी कष्ट हमारे कर दिया जाएगा। मंदिर में दान देते हैं। अरे चप्पल, अरे चप्पल, वो चप्पल पहन करके कृपा करके मंदिर में ना करे। ये आपका अपना मंदिर है, उस मंदिर को साफ सुथरा रखने में मंदिर समिति का सहयोग करे। बस अपने सामान का, अपने मोबाइल का, अपने छूटे चप्पलों का हम